हरा भरा कबाब एक ऐसा स्टार्टर है जो रेस्टोरेंट में हम अक्सर मंगाते हैं और बहुत टेस्टी भी होता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी। सबसे पहले हम पालक को बॉइल वाटर में 2 मिनट तक ब्लांच कर देंगे और इसका पानी अच्छे से हम निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से 2 मिनट अगर हम पालक को रखते हैं तो उसका कलर भी डाउन हो जाता है थोड़ा सा। तो इस तरह से हो गया तो फिर इसका पानी निकाल देंगे। ब्लांच करने से क्या होगा कि कबाब बनाते समय पालक जो है वो पानी नहीं छोड़ेगा। अब ब्लेंडिंग जार में इसे ब्लेंड करने के लिए हम रख देंगे। अब हमें एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल लेना है और उसमें हरी मिर्च डाल देंगे चॉप की हुई। मैंने 3 से 4 हरी मिर्च लिया है, अपने स्वादानुसार डालें। और फिर उसमें 3/4 कप मैंने बीन्स डाल दिया है, उसे अच्छे से 1 मिनट तक सौटे कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। फिर 3/4 कप हम पीस डाल देंगे जो मटर है, अभी मटर का भी सीज़न है तो बहुत आसानी से मटर मिल जाता है, मटर डाल देंगे। और फिर इसे भी 1 मिनट तक सौटे करेंगे। और फिर लास्ट में कैप्सिकम डाल देना है, क्योंकि कैप्सिकम जल्दी गल जाती है इसीलिए हम उसे लास्ट में डालेंगे। हमें इन वेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट तक पकाना है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। ये हो गया। अब इसे भी हम उसी जार में ट्रांसफ़र कर देंगे जहाँ हमने पालक को ट्रांसफ़र किया था। ये ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसको हम ब्लेंड कर देंगे। ये देखिए, मैंने इसे ब्लेंड कर दिया है। बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर जैसे नहीं पीसना है, थोड़ा सा मोटा सा ही रखना है। देखिए, बहुत बढ़िया। अब हम इसमें बॉइल्ड पोटैटो डाल देंगे, ग्रेटेड पनीर डाल देंगे, इसमें धनिया चॉप करके डाल देंगे और कॉर्नफ्लावर डालेंगे 2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर डालेंगे और अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, टर्मरिक पाउडर, फिर 4 चम्मच ब्रेड क्रम्स डाला है मैंने, नमक डाल देंगे 1 टेबल स्पून और गरम मसाला डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करके इनके कबाब बना लेंगे और गर्मा गर्म ऑयल में डीप फ्राई करेंगे। आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं तवे पर। इसमें एक टिप देना चाहूँगी कि अगर आपके कबाब तेल में फूटने लगे तो इसमें 4 टेबल स्पून फिर से आप ब्रेड क्रम मिला लें, जिससे के कारण कि वो फूटेंगे नहीं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया अपन कबाब बना लेंगे। और ऐसे पैटिस के जैसे कबाब बना के फिर हम उसमें ब्रेड क्रम उसमें ओवरलैप कर लेंगे और उसमें काजू ऐसे ही शो के लिए, बहुत ही बढ़िया दिखता है इसीलिए। और इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम ऐसे बना लेंगे, डाल देंगे, बहुत ही बढ़िया। और इसे साइड में रख देंगे। इट अबाउट 5 से 6 कबाब पहले बना के रख ले और फिर बाद में गरम तेल में इसे डाल ले। कबाब को हमें पहले गरम ऑयल में ही डालना है, फिर बाद में आप फ्लेम लो कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे कबाब जो है लाइट ब्राउन हो गए, तो हम इसे निकाल लेंगे, बहुत ही बढ़िया। और अभी मैं तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए बहुत ही बढ़िया गर्मा गर्म सर्व करें। तो फिर खाइए, खिलाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।